morning, all of you. And today's topic is how birds fly. Okay, it means that birds जो है वो कैसे fly कर लेते हैं, ठीक है? Because we know that all birds can fly. So now let's start our topic. A bird can fly because it has a streamlined body. जो bird है वो fly कर सकता है because it has streamlined body. What is the mean of streamlined body? Streamlined body जो है उसका mean क्या हो गया कि जो body है वो आगे से इस तरह से होती है. तो इस तरह की जो body होती है उस body को आप क्या कहोगे? स्ट्रीम लाइन बॉडी. ओके, सो इस तरह से इनकी जो बॉडी है वो फ्रंट से इस टाइप से होती है. तो इस टाइप से इनकी बॉडी होती है, इसीलिए अपन इनकी बॉडी को क्या कहेंगे? स्ट्रीम लाइन बॉडी. ओके, नाउ स्ट्रीम लाइन बॉडी का मीन क्या हो गया? बॉड शेप. ओके, so that can cut through the air easily. तो इनकी ये जो streamline body है उसका benefit क्या हो गया? It means that ये जो body है वो क्या कर सकती है? Air को easily cut कर सकती है. Okay? So it has wings with feathers that are attached to the body. इनमें wings होते हैं. Okay? With feathers. Feathers, it has wings with feathers. इनमें wings होते हैं with feathers that are attached to the body. जो क्या होते हैं? इनकी body से attach होते हैं. इनके feathers में क्या होते हैं? Wings होते हैं जो इनकी body से attach होते हैं, which help to move their wings up and down. जो क्या करते हैं? इनके जो wings हैं उनको help करते हैं wings को up and down होने. ओके, सो इट हैज लाइट एंड होलो बोन्स विच रिड्यूस इट्स वेट. ओके, सो जो इनकी जो बोन्स होती है वो कैसी होती है? लाइट एंड होलो बोन्स होती है विच रिड्यूस इट्स वेट. जो क्या करते हैं? इनका वेट जो है वो कम करते हैं. ओके, द बर्ड्स टेल हेल्प्स इट टू चेंज डायरेक्शन. बर्ड की ये जो टेल है वो क्या करती है? इनकी डायरेक्शन, इनका जो जिस डायरेक्शन में इनको मूव करना होता है, ओके, जिस डायरेक्शन में इनको फ्लाई करना होता है वो डायरेक्शन इसमें कौन चेंज करता है? इनकी जो टेल है वो, ठीक है? सो इनकी ये जो फियदर्स होते हैं इनमें ये विंग्स होते हैं. तो अप एंड डाउन जब इनके फियदर्स होते हैं तो उनको हेल्प कौन करता है? विंग्स हेल्प करते हैं. ओके, ए बर्ड पॉज्ड ऑन ए ट्री, जंप फॉरवर्ड एंड फ्लैप इट्स विंग्स मैनी टाइम्स. जो बर्ड है जब वो ट्री पे जंप करके जो पर्च करता है, बैठता है, फॉरवर्ड एंड फ्लैप्स इट्स विंग्स मैनी टाइम्स. ओके, तो अपने जो विंग्स हैं उनको काफी बार वो क्या करता है? अप एंड डाउन करते हैं. ओके, आगे पीछे होते हैं. नाउ बिफोर इट स्टार्ट्स फ्लाइंग, जब वो फ्लाई करना स्टार्ट करता है तो उससे पहले ये अपने विंग्स को अप एंड डाउन करता है. दिस मूवमेंट ऑफ द विंग्स इज कॉल्ड फ्लैपिंग. और इस तरह से जब मतलब जब भी ये अपने जैसे लाइक ट्री पे ये बैठा हुआ है, ठीक है, तो ट्री पे जब बैठा हुआ है तो ये फ्लाई करने से पहले आगे एंड पीछे होगा, अपने विंग्स को अप एंड डाउन करेगा. ओके, जल्दी जल्दी से. और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस का क्या कहोगे? फ्लैपिंग. सो फ्लैपिंग द विंग्स हेल्प्स बर्ड्स टू मूव हायर इन द कॉल्ड ग्लाइडिंग. ठीक है, और इस तरह से ये जो प्रोसेस है फ्लैपिंग की, फ्लैपिंग की जो प्रोसेस है, द विंग्स हेल्प बर्ड्स टू मूव हायर इन द एयर. ठीक है, और ये जो फ्लैपिंग की जो प्रोसेस है वो क्या करती है? इस बर्ड को हेल्प करती है
ये हाई मतलब हायर मूव कर सके, एयर में हाई ऊंचाई तक ये क्या कर सके, फ्लाई कर सके। वंस द बर्ड रीचेज द करेक्ट हाइट, एक बार जब बर्ड जो है वो करेक्ट हाइट पे पहुंच जाता है, इट स्प्रेड्स इट्स विंग्स टू फ्लाई, तो ये क्या करता है, इजीली आराम से अपने जो इनके इसके जो विंग्स हैं उनको आराम से ये स्प्रेड कर सकता है। ओके, दिस इज कॉल्ड ग्लाइडिंग। और इसकी ये जो प्रोसेस है, जब ये जब अपने प्लांट पे है, किसी ट्री पे है, तब तो ये फ्लाई करने से पहले अपने विंग्स को जल्दी जल्दी से थोड़ा सा मूव करेगा, फिर ये फ्लाई करेगा। ओके, बट जब ये हाई ऊंचाई में आराम से इजीली ये क्या करता है, ऊंचाई तक जब ये फ्लाई कर लेता है, तो आराम से पूरे फीदर्स को, अपने जो विंग्स होते हैं उनको सबको अच्छे से ये ओपन कर लेता है, स्प्रेड कर लेता है, पूरा फैला लेता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइडिंग। नेक्स्ट वी हैव इज द बर्ड डज नॉट फ्लैप इट्स विंग्स एज ऑफन व्हाइल ग्लाइडिंग। जो बर्ड है, ठीक है, जब जो बर्ड है वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो उस टाइम पे अपने बर्ड्स को फ्लैप नहीं करता है। ठीक है, फ्लाई करते हुए अपने जो विंग्स हैं उनको फ्लैप नहीं करता, इट यूजेज इट्स फीट एज ए ब्रेड। ठीक है, अपने बर्ड्स को फ्लैप नहीं करता, इट मीन्स उनको डाउन नहीं करता है। ठीक है, एज ए ब्रेड ये किसको यूज करता है, अपने फीट को। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फ्लाइटलेस बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्लाइटलेस बर्ड्स, इट मीन्स दैट बर्ड्स दैट दोज कांट फ्लाई। ओके, ऐसे बर्ड्स जो फ्लाई नहीं करते हैं, सो देर आर सम बर्ड्स विच आर वेरी बिग इन साइज एंड हैवी इन वेट। ओके, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं विच आर वेरी बिग, जिनकी साइज जो है वो बहुत ज्यादा बिग होती है, एंड हैवी इन वेट, और उनका जो वेट है वो भी क्या होता है, हैवी होता है। दे हैव विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग फीट बट दे कांट फ्लाई एट ऑल। ओके, इनमें विंग्स होते हैं, ओके, और इनके फीट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट दे कांट फ्लाई, लेकिन वो फ्लाई नहीं करते। सच बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स, और इस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं बर्ड्स को हम क्या कहेंगे, फ्लाइटलेस बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, एग्जाम्पल के लिए कौन से हो गए अपने, ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी, पेंगुइन एटसेट्रा, ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम बोलते तो क्या है, बर्ड्स, बट ये बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई नहीं करते, बिकॉज इनके फेदर्स भी होते हैं, बट इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, हैवी बॉडी होती है। ओके, सो ये बर्ड्स फ्लाई नहीं करते, लाइक कीवी, पेंगुइन, इमू, ऑस्ट्रिच एटसेट्रा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।